गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चितापुर तालुका वाड़ी जंक्शन के कांग्रेस लीडर जोहर खान और उनके ग्रुप ने प्रियंक खरगे सेवा केंद्र का उद्घाटन चितापुर के एमएलए प्रियंक खरगे के हाथों करवाया। इस उद्घाटन में वाड़ी ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ भारी तादाद में कांग्रेस के युवा नेताओं ने प्रियंक खरगे का स्वागत बड़े शानदार तरीके से किया। इस सेवा केंद्र के जिम्मेदारों ने बताया कि यहां पर सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की कार्रवाई की जाएगी। वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा वाड़ी के सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का भी काम होगा और आने वाले दिनों में प्रियंक खरगे सेवा केंद्र के जरिए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही औरतों के लिए टेलरिंग सेंटर की भी कोचिंग दी जाएगी और ऐसे कई सारे सरकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के काम यहाँ पर होंगे। जय हिंद दोस्तों, आज वाड़ी में प्रियंक खरगे सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे हरदिल अजीज नेता चितापुर के शासक एमएलए सम्मान्य श्री प्रियंक खरगे साहब ने किया। ये जहूर भाई एंड ग्रुप की जानिब से उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि वाड़ी शहर में जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर एप्लीकेशन डाला जाएगा, और साथ ही साथ जब तक वो डॉक्यूमेंट्स बन करके नहीं आते, कंटिन्यूस प्रोसेस उसके ऊपर जारी रहेगा। फुली जब डॉक्यूमेंट बन करके आ जाएगा तो उसको भी सबमिट करने का काम, बेनिफिशियरीज को पहुंचाने का काम ये केंद्र से होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स वाड़ी शहर में पढ़ रहे हैं और आसपास के विलेजेस में, गाँव में पढ़ रहे हैं, उनके स्कॉलरशिप्स को यहाँ से अप्लाई किया जाएगा और ये भी नोटिस किया जाएगा कि वो प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है और सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है स्कॉलरशिप, ये काम यहाँ पर देखा जाएगा। साथ ही साथ प्रियंक खरगे सेवा केंद्र का ये भी एक इंटेंशन है, ये भी एक उद्देश्य है कि आगे आने वाले दिनों में कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ से दी जाएगी। जो 10th 12th पास के लड़के हैं उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ जो बैचलर डिग्रीज कर लेते हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिसको चाहिए होते हैं, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, आपका वर्ड हो गया, ये तमाम तर चीज़ें जो कंप्यूटर रिलेटेड होती हैं, उसको भी यहाँ से सेवा केंद्र से वो फैसिलिटीज़ उनको मुहैया करवाई जाएंगी। ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए टेलरिंग सेंटर का इनेखाद अमल में आएगा, टेलरिंग सेंटर यहाँ पर डाला जाएगा जिसमें ख़वातीन को, लेडीज़ को टेलरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ आगे आने वाले दिनों में जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के रहेंगी, ख़ास तौर पर रोज़गार को लेकर के, जिस तरह से आज का एक फ्रेश नोटिफिकेशन है, मतलब अभी जो रनिंग में नोटिफिकेशन है, वो कर्नाटका स्टेट पुलिस में पुलिस कांस्टेबल के जॉब्स का अभी एप्लीकेशन ऑनगोइंग है, तो वैसे एप्लीकेशन जो नौजवानों को रोज़गार देंगे वो एप्लीकेशन यहाँ पर डाले जाएंगे और पूरी ये कोशिश की जाएगी कि उस पोजिशन पर, उस पोस्ट पर जो हमारे पास से अप्लाई होगा, जो कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया होगा, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, ये कोशिश हमारी रहेगी। साथ ही साथ
जैसे कि आप जानते हैं वाड़ी शहर एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे आएगा, मोबाइल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी, फोर्क लिफ्ट की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि जितने भी ब्लॉक ब्लू कॉलर के ट्रेनिंग्स होंगे, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेंगे, वो रिक्वायरमेंट को प्रियांक करके सेवा केंद्र की जानिब से मुहैया करवाई जाएंगी। यहाँ से उन्हें इनिशिएटिव लेकर के इसको प्रमोट किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी कोई स्कीम आएगी इसका अवेयरनेस भी चलाया जाएगा। प्रियांक खरगे सेवा केंद्र के ऑफिस बेयरर्स ने यह सोचा है कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होगी, जब भी कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव आएगा, इसका लोगों में अवेयरनेस कैंपेन करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्लाई कर सकें। आप जानते हैं देश में भुखमरी के हालात हैं, बेरोजगारी के हालात हैं, तो प्रियांक खरगे सेवा केंद्र एक ऑफिस नहीं बल्कि एक मिशन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रियांक खरगे सेवा केंद्र एक मिशन है रोजगार को पूरा करने के लिए। प्रियांक खरगे सेवा केंद्र एक मिशन है जो प्रियांक खरगे खुद करना चाहते हैं। प्रियांक खरगे चितापुर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चितापुर मतलब क्षेत्र के साथ में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, स्टेट का करना चाहते हैं, तो उसी का एक हिस्सा प्रियांक खरगे सेवा केंद्र बन करके आपके साथ शाना बशाना चलेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँचाने का काम प्रियांक खरगे सेवा केंद्र करेगा। इस मौके पर आज सम्माननीय श्री प्रियांक खरगे साहब हमारे ऑफिस आए और उन्होंने उद्घाटन किया। इस वीडियो के माध्यम से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ हमारी टीम का जिन्होंने इस ऑफिस को एस्टेब्लिश करने में हिस्सा लिया, जैसे कि जहूर खान साहब हैं, ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, सैयद मुहीउद्दीन साहब हैं, मोहम्मद गौस साहब हैं और हारून कुरैशी साहब हैं और हमारे अब्दुल शुक्र तेली साहब हैं। इन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज के इस ऑफिस के इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया, पार्ट लिया। और मैं यही उम्मीद करता हूं जितने लोग यहां पर आए हैं वो उतने ही लोग एप्लीकेशंस भी यहां पर लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस।